अजमेर बस स्टैंड पर खड़ी वोल्वो बस से यात्रियों के लैपटॉप चोरी करने वाले शातिर बदमाश को अभय कमांड सेंटर की टीम द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपनी अन्य वारदातों को लेकर भी जानकारी दी है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए अभय कमांड सेंटर में तैनात एडिशनल एसपी प्रीति चौधरी ने बताया कि 11 मार्च जयपुर निवासी कृष्ण गोपाल और ब्यावर निवासी भावेश शर्मा ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह जयपुर से अजमेर बस स्टैंड पहुंचे थे और उसी दौरान वह बस के रुकने पर कोल्ड ड्रिंक लेने नीचे उतरे। इसी बीच अज्ञात बदमाश द्वारा उनका लैपटॉप चोरी कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर अभय कमांड सेंटर की टीम ने तुरंत बस स्टैंड पर लगे कैमरों को खंगालना शुरू किया और 2 घंटे के भीतर आरोपी की पहचान कर उसे दरगाह क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। यह आरोपी स्मैक पीने का आदि है, जो कि उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला है और अजमेर दरगाह क्षेत्र में निवास कर रहा है। लैपटॉप चोरी के साथ ही अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम देकर वह दरगाह क्षेत्र से ही स्मैक खरीदना है और उसका सेवन करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी के पास 3 लैपटॉप मिले हैं। अन्य सामग्री भी आरोपी से मिली है, जिसे लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। बेसिकली कल वॉल्वो गाड़ी जो यहाँ पर अजमेर में 4:15 बजे करीब आई, उसमें 2 बस यात्री थे, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी अजमेर पुलिस को कि बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 लैपटॉप थे, वो लैपटॉप गायब हो गए। तुरंत सूचना हमें अभय कमांड सेंटर पे दी। अभय कमांड सेंटर पे तैनात हमारे जो 3 कर्मी हैं, ताराचंद, भीमराज और गंगाराम, इनके द्वारा बड़ी गहनता से उन सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया। 8-10 कैमरा से उनका रूट चार्ट बनाया गया। बेसिकली वो उतरे, उतरने के बाद उन्होंने अभय कमांड सेंटर यानी जस्ट एसपी ऑफिस के जस्ट सामने से उन्होंने ऑटो रिक्शा किया और सावित्री चौराया, जैलन मार्ग, जैलन चौराया से होते हुए ये लोग बजरंगढ़ चौराहे से फवारा होते हुए दिल्ली गेट पहुँच गए। 8-10 कैमरा को बड़ा संजीदगी से, बड़ी गहनता से हमारे इन जो जवानों ने उसको देखा। देखने के बाद रूट चार्ट बनाया। रूट चार्ट बनाने के बाद इन्होंने संबंधित जो सिविल लाइन थाना है, सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर सिविल लाइन थाना मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो लैपटॉप उस बंदे से, जहाँ जिस होटल में वो ठहरा हुआ था, उस होटल से उन्होंने उन लैपटॉप को बरामद किया। और ये बरामदगी है विद इन 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने वो जो लैपटॉप थे उस परिवादी तक हमने पहुंचा दिए, उनको बरामद कर लिया। क्या नाम है, कहाँ रहने वाला है ये? बेसिकली ये जो मुलजिम है, ये सरफराज है, ये 40 साल का है और ये कोतवाली थाना बुलंदशहर का रहने वाला है। और शिकायतकर्ता का नाम होगा? शिकायतकर्ता जो है वो यहाँ हमारे पास है, सिविल लाइन पुलिस थाना में हमने दर्ज करवाया है। ये कृष्ण गोपाल निवासी विद्याधर नगर जयपुर का और भावेश शर्मा डिग्गी मोहल्ला धनजी की गली ब्यावर का रहने वाला है। कितने लैपटॉप बरामद हुए मैम इनसे? इनसे 2 लैपटॉप तो ये जो यहाँ से बस स्टैंड से लिए थे उन्होंने, वो दूसरा इनके पास 1 लैपटॉप और बरामद हुआ है। कोई और भी इसके साथ साथी? नहीं, अभी तक केवल ये एक ही बल्जी में। ठीक है, थैंक यू।